आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में गुदड़ी मंसूर खां स्थित श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में नगर में प्रथम बार श्री सम्मेद शिखर महामंडल विधान का आयोजन किया गया। विधान में भक्तजनों ने विधि विधान से श्री जी की पूजा की। आचार्य श्री 108 जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य में गुदड़ी मंसूर खां स्थित श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में नगर में प्रथम बार श्री सम्मेद शिखर महामंडल विधान का आयोजन किया गया। विधान में भक्तजनों ने विधि विधान से श्री जी का पूजन किया। क्योंकि काय से आप जिन मंदिर में बैठे हो, वचन से आप उच्चारण करोगे, वचन का पुण्य मिलेगा। मन भटक रहा है, कोई बात नहीं, आज भी तो सुधरेगा। इसीलिए उसका पुण्य कितना है, डोली में रोज जाने आने वाले का, डोली में आने वाले डोली ले जाने वाले का 6,000 रुपया बस। क्योंकि उसका पुण्य इतना कि मैं इसे यात्रा करा दूं, क्या करा दूं, इसे यात्रा करा दूं। तो यात्रा कराने में भी उसका पुण्य 6,000 तक पहुंच जाता, और जो भाई सही करता उसका पुण्य 6 खंडे के अधिपति तक भी पहुँचता है। श्री 1008 शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए श्री सम्मेद शिखर महामंडल विधान में शामिल सुभाष चंद्र जैन ने बताया कि श्री सम्मेद शिखर महामंडल विधान की रचना स्वयं आचार्य श्री ने की है। ताज नगरी में यह विधान पहली बार आयोजित हुआ है। सुभाष जैन शीतलनाथ दिगंबर जैन मंदिर गुदड़ी मंसूर खां से मंदिर व्यवस्थापक, आज आचार्य सौरभ सागर जी महाराज के सानिध्य में उन्हीं के द्वारा रचित सम्मेद शिखर विधान आज मंदिर में संपन्न हुआ है। और इस विधान में बहुत ही अधिक संख्या में श्रावक भक्तगण, पुरुष महिलाएं बच्चे बहुत अधिक संख्या में मंदिर में स्थान नहीं है बैठने के लिए। और विधान के वहाँ से विशेषता विधान की है, ये विधान आचार्य श्री सौरभ सागर द्वारा ही रचित है। और इस विधान में उस सम्मेद शिखर हमारे परम सिद्ध क्षेत्र से जो भगवान मोक्ष को प्राप्त हुए हैं उन सबका इनमें वर्णन है। इस तरह से इसमें 38 अर्क का ये विधान है कुल। हमारे गुदड़ी मंसूर खां शीतलनाथ जी दिगंबर जैन शीतलनाथ मंदिर के अंदर एक विशेष विधान आचार्य सौरभ सागर जी के अंतर्गत हो रहा है। ये दो दिन का महाराज जी का प्रोग्राम था, जो आज विधान सम्मेद शिखर विधान कराया गया है, जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह विधान हो रहा है। सभी लोग सौरभ सागर आचार्य सौरभ सागर के दर्शन कीजिए और शीतलनाथ जी के दर्शन कीजिए। जय जिनेन्द्र। ये सम्मेद शिखर का विधान संपन्न होने की तैयारी है और ये बहुत विधि विधान से हो रहा है, काफी हर्षोल्लास से। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में आयोजित श्री सम्मेद शिखर महामंडल विधान में शामिल भक्तजनों की खुशी देखते ही बन रही थी। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।